हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 26 जुलाई तक ऑपरेशनल हो जाएगी रफाल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन। जम्मू के आर्नी सेक्टर में फिर से स्पॉट हुआ एक यूएवी। भारत और अमेरिका के बीच साइन होने वाली है $700 मिलियन के जेट इंजन की डील। बातचीत फेल होने पर अफगानिस्तान सरकार मांग सकती है भारत से सैन्य सहायता। और LOC पर नजर आई इंडियन आर्मी ट्रूप्स एडवांस वेपन्स और गैजेट्स के साथ। कल रात को लगभग 10 बजे जम्मू के आर्निया सेक्टर में एक बार फिर से यूएवी को स्पॉट किया गया था, लेकिन वहां पर तैनात अलर्ट BSF ट्रूप्स ने उस यूएवी को स्पॉट कर लिया और जिसके बाद करीब 4 से 5 राउंड उस यूएवी पर फायर किए गए थे और फायरिंग के बाद वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया था। और इस घटना के बाद से पूरे एरिया की तलाशी ली जा रही है और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और सोर्सेज के मुताबिक इस बात की संभावना है कि कल जो ड्रोन स्पॉट हुआ है उसे मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा या तो स्मगलिंग या फिर रेकी करने के प्रयास में इस्तेमाल किया जाने वाला था। और जबकि कल शाम को कश्मीर के कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास से एक IED भी बरामद हुआ है और जिसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से सफलतापूर्वक डिफ्यूज भी कर दिया गया है। बाकी इस घटना के बाद से एरिया की घेराबंदी करके आगे की जांच चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिनसे 2 AK-47, एक पिस्टल और कुछ अन्य अम्यूनिशंस भी बरामद हुए हैं। और इन मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड लश्कर का कमांडर एजाज अबू भी शामिल है। और जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी बदगांव से लश्कर के 2 आतंकी सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन 26 जुलाई तक ऑपरेशनल हो जाएगी और इस प्रोसेस के हिस्से के तौर पर रफाल फाइटर्स जो ऑलरेडी अम्बाला एयरबेस पर पहले पहुंच चुके हैं तो अब उन फाइटर्स को अगले कुछ दिनों में हासीमारा एयरबेस पर पहुंचाया जाएगा। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो हासीमारा एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन स्थापित की जा रही है वो मुख्य रूप से चीन के साथ लगने वाले ईस्टर्न फ्रंटियर पर ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होगी। हालांकि जरूरत पड़ने पर रफाल फाइटर्स को देश के किसी भी हिस्से से ऑपरेट किया जा सकता है। बता दें कि रफाल फाइटर्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में ऑपरेशनल हैं और इन्हें चीन के साथ ईस्टर्न फ्रंट पर एयर पेट्रोलिंग के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय भी किया गया है। और बस अब 26 जुलाई को औपचारिक रूप से इनकी दूसरी स्क्वाड्रन को स्थापित किया जाना बाकी है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश से सामने आई है जो कि बेहद ही दुखद है और वो यह है कि आज सुबह इंडियन आर्मी का एक हैवी व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसमें हमारे 7 आर्मी पर्सनल बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं और जबकि एक जवान को हमने खो दिया है। और बताया जा रहा है कि ये दुर्घटना अरुणाचल प्रदेश में पंगो और बलसी के बीच मौसम की खराब स्थिति के कारण हुई है और बाकी जो पर्सनल घायल हुए हैं उन्हें ITBP के हॉस्पिटल्स में एयरलिफ्ट किया गया है। और बाकी इस दुर्घटना पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुर्घटना में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उस जवान की आत्मा को शांति मिले और जो बाकी के जवान घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से LCA तेजस के जेट इंजन को लेकर एक प्रमुख अपडेट जारी किया गया है और वो यह है कि अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर्स जैसी एक बड़ी डिफेंस डील के बाद अब भारत अमेरिका के साथ एक और मेजर डिफेंस डील साइन करने वाला है और वो डील है LCA तेजस के जेट इंजन को लेकर जो कि अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से $700 मिलियन की कीमत पर लिए जाएंगे। और ये जेट इंजन मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स के उन 83 LCA तेजस MQ-1A फाइटर्स में इस्तेमाल होंगे जिनके लिए अभी हाल ही में एयरफोर्स द्वारा ऑर्डर दिए गए थे। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि इस डील में जो इंजन लिए जाने हैं वो हैं जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन और ऐसे करीब 100 इंजन के लिए भारत द्वारा जल्द ही ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि इन इंजन के सप्लाई को लेकर जो भी इश्यूज चल रहे थे उन सभी को सॉल्व कर लिया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि इन इंजन की जो डील है वो इसी साल साइन हो जाएगी जो कि रोमियो हेलीकॉप्टर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स के बाद भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस डील में गिनी जाएगी। लेकिन इंजन के इस डील में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है पर भारत के जो भविष्य के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA प्रोग्राम है उसके लिए स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को विकसित किए जाने के प्रयास जारी रहेंगे और इस स्वदेशी इंजन को DRDO या तो फ्रांस या फिर UK की पार्टनरशिप के साथ संयुक्त रूप से विकसित करेगी। और बाकी भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन विकसित होने के बाद फिर वही इंजन भारत के भविष्य के सभी फाइटर्स में इस्तेमाल भी होगा। बाकी भारत और अमेरिका के इंजन वाले डील की जो पूरी रिपोर्ट है वो आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं और बाकी इस रिपोर्ट पर आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जबकि इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि रशिया के यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ने HAL के HJT-36 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फाइनल स्टेज सर्टिफिकेशन टेस्ट के लिए HAL को 2 AL-55i टर्बोजेट इंजन को डिलीवर किया है
और वैसे आपको बता दें कि जो ये AL-55i टर्बोजेट इंजन है, इसे ऑलरेडी HAL के HJT-36 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट पहले किया जा चुका है और इन इंजन के साथ इन एयरक्राफ्ट ने फरवरी 2021 में आयोजित हुए एरो इंडिया शो में डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट भी कंडक्ट की थी। अफगान एम्बेसडर टू इंडिया का कहना है कि अगर तालिबान के साथ बातचीत फेल हो जाती है तो फिर भविष्य में किसी एक पॉइंट पर जाकर अफगानिस्तान की सरकार भारत सरकार से सैन्य सहायता के लिए कह सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि यहां पर सैन्य सहायता का मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका की तरह ही अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान में डिप्लॉय करेगा, बल्कि यहां पर सैन्य सहायता का मतलब है कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट में मदद की जाएगी और इस ट्रेनिंग में अफगानिस्तान एयरफोर्स के पायलट की ट्रेनिंग भी शामिल है। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी जिसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से दावे किए गए थे कि पूर्वी लद्दाख की कई अलग अलग जगहों पर चाइनीज ट्रूप्स ने LAC को फिर से पार किया है और उन रिपोर्ट्स में भारत और चीन के ट्रूप्स के बीच क्लैश होने की बात भी की गई थी। लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के ट्रूप्स के बीच कोई भी क्लैश नहीं हुआ है और इस क्षेत्र पर कहीं से भी एरिया को ऑक्यूपाई करने के प्रयास भी नहीं किए गए हैं। और बाकी फिलहाल अभी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की अगली मीटिंग की डेट को फाइनल किया जाना बाकी है और इंडियन आर्मी का ये भी कहना है कि चाइनीज आर्मी की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है और दोनों पक्षों के बीच यहाँ की रिमेनिंग इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बातचीत चल रही है। डिफेंस सोर्सेज की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिससे ये मालूम पड़ा है कि LOC पर तैनात इंडियन आर्मी सोल्जर्स को कुछ मॉडर्न गैजेट्स के साथ इक्विप्ड कर दिया गया है और इन मॉडर्न गैजेट्स में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं और केवल गैजेट्स ही नहीं बल्कि LOC के फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात इंडियन ट्रूप्स को नए हथियारों से भी लैस किया गया है जिनमें सिक्स शॉट जैसी असॉल्ट राइफल्स भी शामिल हैं और जबकि इंडियन आर्मी ट्रूप्स को नए सर्विलियंस इक्विपमेंट से भी लैस किया गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का एग्रीमेंट होने के बाद से LOC पर फिलहाल अभी तक किसी ने भी सीज फायर का उल्लंघन तो नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं और इसलिए ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह की घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम करने के लिए फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको एडवांस वेपन्स और एडवांस इक्विपमेंट के साथ लैस किया जाए। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के माचिल सेक्टर में भारत सरकार द्वारा कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण किया जा रहा है जो कि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले किसी भी अनप्रोवोक फायरिंग के खतरे से LOC के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। और जबकि अभी तक भारत सरकार कुपवाड़ा में 48 अंडरग्राउंड कम्युनिटी बंकर्स को बना चुकी है। इन सबके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि पाकिस्तानी ISI बिहार और उत्तर प्रदेश के रेलवे रूट पर बॉम्ब ब्लास्ट कराने की योजना बना रही है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ये हमले पंजाब में स्थित उनके ऑपरेटिव्स की मदद से इन दो स्टेट्स के अलग अलग ट्रेन रूट्स पर प्लान किए गए थे। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।